हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज जो है मैं व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आज व्लॉग डे है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज जो है मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ यार, ये विनोद क्या है। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे अपने हैशटैग्स के साथ देखा है विनोद विनोद, व्हाट इज दिस विनोद। मैं कल यूट्यूब भी किया, मुझे रात में मतलब इस टॉपिक का समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने रात को यूट्यूब भी किया एंड किसी के पास कोई आंसर नहीं है कि ये विनोद है क्या, BINOD विनोद है क्या। किसी को कुछ नहीं पता ये क्या है, ये मुझे खुद नहीं पता क्या है। इफ़ यू गाइज नो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि ये हैशटैग विनोद क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है विनोद क्या है। इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ है लेकिन किसी के पास आंसर नहीं है कि विनोद क्या है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस कि ये विनोद है क्या, और मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। टेनी को बहुत नीनो आई है। टेनी क्या कर रहे हो गाइज? अब हम चलते हैं लंच बनाने की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं कर चुकी हूँ और टैनी जो है मम्मी को परेशान करे जा रही है पीछे। तो अब हम चलते हैं लंच बनाने की तरफ, और लंच में आज मैं बना रही हूँ येलो वाले राइस, बिकॉज आई लव द येलो वाले चावल, आई लव येलो वाले चावल, इसलिए हम जा रहे हैं। मैं जाऊँगी नहाने, एज यू कैन सी द पिम्पल गाइज, पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया, इतने पिम्पल हो रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं नायका का जो है फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मेरी स्किन पे ये ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं। नायका वाला फाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं वो फाउंडेशन बहुत रेयरली यूज़ करूँगी, मतलब बहुत कम यूज़ करूँगी। और अगर आप लोगों ने, और मुझे आप लोगों से एक और बात बोली थी, अगर आप लोगों ने मेरी जो रिसेंट वीडियो है रेड विंग्ड आईलाइनर विद रेड लिप्स अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ गो ऑन टू माय चैनल, वो वीडियो वहाँ लाइव हो चुकी है और आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा सिंपल सा लुक क्रिएट किया है विद बोल्ड लिप्स, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मली भी मेकअप करते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे वो मेकअप करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और हम चलते हैं किचन की तरफ। बाय। डोंट माइंड माई लुक गाइज, मेरे बाल इधर उधर जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। आप लोगों को एक नए मेरे फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, यानी कि टैनी की नई बॉल, वो मुझे मिल ले रही है। टैनी ने पता नहीं अभी कहाँ रख दी है, लेकिन बॉल यहीं पर थी, इसी से पूछती हूँ। टैनी की नई बॉल जो कि टैनी आजकल इसके पीछे लगी रहती है, ये ऐसे येलो कलर की, और ऐसे ये ऐसे आवाज़ भी करती है, और अभी भी टैनी मेरे साथ यहीं खड़ी है, देख रही है कि ये मेरी बॉल क्यों लेके खड़ी है। टैनी बॉल ले लूं? मैं ले लूं बॉल? देख रही है कि मेरी बॉल है, मैं ले रही हूँ टैनी की बॉल। नहीं, मैं ले रही हूँ टैनी की बॉल। देखो पीछे पीछे आएगी मेरे बॉल के लिए, एक कुत्ता बॉल के लिए मर भी सकता है। एक बॉल के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने को तैयार है, क्या बता दिए? नहीं, तुमको बॉल चाहिए, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नो बॉल। ये बाय द वे इसको सुंदर लाके दिए, इसका बर्थडे था तब लाके दिए, तो देख सकते हैं ये बॉल के लिए मुझसे कितना लड़ रही है यार। नहीं मिलेगी, बड़ी भयंकर आवाज है बॉल। हाँ, तेरी बॉल ले ली। कैन यू लुक इट गाइस? ये ले, के लिए मर सकती है वो।
भैया रिश्ते नाते सब छूट सकते हैं बॉल के लिए। ये कौन है? कौन है ये? चिनिश की तरह है, गोल दिल निचली वाले, निचली वाले तो देख ना, बॉल, इसके पास भी बॉल है। ये देख ले। आज का मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है टैनी को खाना खिलाने का। आई फील लाइक आज मेरा टैनी को खाना खिलाने का मिशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को उसके बर्तन की आवाज आ रही होगी और ये पीछे मेरे घर में महाभारत चल रही है सफाई को लेके, क्योंकि जब सफाई अभियान छिड़ता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। इवन तो मैं भी नहीं, मैं भी जा रही हूँ, अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए यहाँ आ गई। पीछे से चिल्लाने की आवाजें आ रही होंगी। मेरी माँ आज सफाई अभियान पे है तो लेट्स जस्ट गो और दिखाती हूँ मैं आपको सफाई अभियान कैसा चल रहा है। गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे। मैंने कल का जो ब्लॉग है वो ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ काम करना था इसीलिए मैं आज इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और गाइज मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ, लेकिन शूट करने के लिए बैठी हूँ और आप लोगों को जल्दी एक अच्छा सा न्यू वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। मैंने अभी अभी एक वीडियो शूट करी है, मेरे शू कलेक्शन की वीडियो, और उसको शूट करके मैं एसी वाले रूम में आके बैठी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना उस वाले रूम में जहाँ मैं शूट करती हूँ। वो हमारा सबसे पीछे का रूम है, वहाँ मैं शांति में शूट करती हूँ। और मैंने बाहर आके देखा तो मेरे घर में क्या बन रहा है, मेरे घर में माई फेवरेट खीर बन रही है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो इसीलिए मेरे घर में खीर बन रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जन्माष्टमी वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एज यू कैन सी द बारिश की कितनी तेज आवाज आ रही है और बारिश भी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है। मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग या दो दिन का मिला जुला के ब्लॉग जो है वो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।